नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और एक बड़ी खबर हमारे सामने है जिसको लेकर के हम आपके सामने हाजिर हुए हैं और ये बड़ी खबर तेजस्वी यादव से जुड़ी हुई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि तेजस्वी यादव को ईडी और सीबीआई का लगातार दबिश बढ़ता जा रहा है। इसी सिलसिले में 25 तारीख को उनको हाजिर भी होना है, समन जारी कर दिया गया है। इसके बाद तेजस्वी यादव और उनके परिवार के कई सदस्यों को विभिन्न प्रकार के आर्थिक अपराधों और कई तरह के मामलों में फंसे होने के कारण लगातार ये चर्चा चल रही थी कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। जब जब तेजस्वी यादव किसी अच्छे पोजीशन में होते हैं, पिछली बार भी आपने देखा कि 2015 में जब सरकार बनी तो 2017 में अचानक से सरकार समाप्त हो गई थी, गिर गई थी और इसके पीछे कारण था तेजस्वी यादव पर कई तरह के गंभीर मामलों का होना। इस बार भी सुशील मोदी पूरी तरह से कागज पत्र लेकर के बैठ गए हैं और वो रोज़ नए नए खुलासे कर रहे हैं, लेकिन इन सब से अलग एक नई प्रक्रिया शुरू हो गई है और वो प्रक्रिया है कि तेजस्वी यादव को कैसे बचाया जाए, उनके परिजनों को कैसे बचाया जाए और इसके लिए कौन सा रास्ता है। तो इसके लिए रास्ता निकाल लिया गया है। लगभग 9 राज्यों में इस तरह की व्यवस्था है कि सीबीआई ईडी जैसी संस्थाएं जो हैं वो बिना सरकार के इजाजत के प्रवेश नहीं करेंगी राज्य में और न किसी का जांच कर सकती हैं। ये बातें हमने आपको पहले ही बताई थी और इस बात को लेकर के भाई वीरेंद्र ने अपनी बात रखी भी थी और कहा था कि इसके लिए सबको मिल बैठ करके कानून बनाना चाहिए। तो क्या ये कानून बनने जा रहा है और इन्हीं सब बातों को लेकर के कहा यह जाने लगा है कि तेजस्वी यादव को बचाने के लिए ये कानून बनाया जाएगा। नीतीश कुमार पहले इस मामले पर तैयार नहीं थे, आज भी नीतीश कुमार की तरफ से पॉजिटिव आंसर नहीं आया है, लेकिन ये बात लालू प्रसाद तक पहुंच गई है। आपको बता दें कि इससे पहले लालू प्रसाद पर जितने भी आरोप लगे हैं उन आरोपों में से बहुत सारे आरोप में उन्हें जेल भी जाना पड़ा है। चारा घोटाला वाला मामला आपको पता है, उसके बाद नौकरी के बदले जमीन वाले मामले में पूरा परिवार के अधिकांश हिस्सा कहा जा रहा है कि इससे प्रभावित हुए हैं और अधिकांश लोगों को इसमें कहीं ना कहीं संलिप्तता दिखाई गई है। जांच शुरू हो गई है एक बार फिर से और इसको लेकर के लगातार राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से नाराजगी व्यक्त की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी इन संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। अब इस पूरे मामले पर अचानक से एक बार फिर सुधाकर सिंह सामने आए हैं। सुधाकर सिंह जो पूर्व कृषि मंत्री हैं और अपने क्रियाशैली के लिए, अपने अखड़पन के लिए, अपने बेबाक बोल के लिए उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर होना पड़ता, इस्तीफा देना पड़ा था। इस्तीफा देते समय भी उन्होंने कहा था कि लालू प्रसाद के निर्देश पर वो कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। अब सीबीआई ईडी के खिलाफ विधानसभा में उन्होंने प्राइवेट बिल लाने की बात कही है। इससे पहले भी वो कृषि मामले को लेकर के प्राइवेट कृषि बिल लाने की बात भी कर चुके हैं। आपको बता दें कि जांच एजेंसियों का नाजायज फायदा उठाने वालों को वो विराम लगाना चाहते हैं और इस पर विराम लगेगा, ये कहना है सुधाकर सिंह का। और सुधाकर सिंह ने सीएम नीतीश कुमार को इस तरह के विधेयक को मंजूरी देने और कानून बनाने के लिए आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट जो डीएसपी एक्ट है, उस एक्ट के तहत 9 राज्यों ने अपने अपने राज्यों में ये व्यवस्था कर रखी है जिससे कि बिना राज्य सरकार के अनुमति के कोई भी सीबीआई हो, ईडी हो, केंद्रीय जांच एजेंसियां जांच नहीं कर सकती है। अब 9 राज्यों में जिसमें झारखंड भी शामिल है, बिहार के अगल बगल के राज्य, कई राज्य शामिल है, झारखंड शामिल है, पंजाब शामिल है, महाराष्ट्र शामिल है, मेघालय शामिल है, पश्चिम बंगाल शामिल है, छत्तीसगढ़ शामिल है, राजस्थान और मिजोरम भी इस श्रेणी में आते हैं जिन्होंने अपने राज्यों में इस कानून को लागू किया है और इस लागू करने के बाद किसी भी तरह का जाँच करने से पहले राज्य सरकार से पूछा जाएगा। बिहार में भी इस कानून को बनाने के लिए नीतीश कुमार पर लगातार दबाव बढ़ रहा है और खास करके सुधाकर सिंह ने तो जो कि नीतीश कुमार के बारे में क्या क्या कहते आए हैं वो आपको पता है और कितनी आस्था उन्होंने लालू प्रसाद में दिखाई है, ये बातें लालू प्रसाद तक पहुंच गई है और देखना दिलचस्प होगा कि एक बार फिर से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की ट्यूनिंग जो विधानसभा और विधान परिषद में देखने को मिल रही है, क्या वो आगे इस कानून को बनाने में मददगार साबित होगी, क्या यही वो बात है जिसको लेकर के दोनों के बीच में नज़दीकियां पड़ी हैं। सुधाकर सिंह प्राइवेट बिल लाने वाले हैं विधानसभा में और देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार इस पर क्या एक्शन लेते हैं जो क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म को लेकर के अक्सर
अपना पीठ झाड़ते रहते हैं, व्हाइट कॉलर कहे जाते हैं, और ऐसी स्थिति में क्या किसी भी तरह के जांच को लेकर के वो कानून बनाएंगे जिससे कि जांच एजेंसियां बिना अनुमति के नहीं आ सके। देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले को जब लालू प्रसाद के पास पहुंचा है तो क्या नीतीश कुमार इस पर संज्ञान लेते हैं और इस तरह का कानून बिहार में भी बनता है जो 9 राज्यों में है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, बाकी की खबरें यथावत जारी रहेंगी। और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे को घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।